हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंक मित्र पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है क्या। दोस्तों, ये एक 1 ईयर इंश्योरेंस स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बिहाफ पर ऑपरेट की जाती है। इसको भारत सरकार की तरफ से सभी नेशनलाइज्ड बैंक्स में लागू किया गया है। ठीक है, आज के दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे SBI में आप इस स्कीम को कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका पॉलिसी कवर क्या रहेगा और कैसे आप इस सब्सक्रिप्शन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप पूरी स्कीम के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पॉलिसी को स्टेट बैंक में SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि बैंक का अपने एक इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, उसको इसकी मास्टर पॉलिसी के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी की तरफ कि इस स्कीम को सब्सक्राइब करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 18 से 50 साल तक का कोई भी इंडियन सिटीजन जिसका किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट आई मीन टू से, वो इस स्कीम को सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 18 साल से 50 साल की उम्र के बीच हैं और आपका किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक, PNB, यूको बैंक एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, तो आप इस स्कीम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप एक बार इस पॉलिसी में एनरोल कर लेते हैं तो इस पॉलिसी का जो कवर है वो आपको 55 ईयर्स की एज तक मिलेगा। तो दोस्तों, ये पॉलिसी एक्चुअली में है क्या? ये पॉलिसी कस्टमर को डेथ कवर प्रोवाइड करती है इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एनी रीजन, यानी कि अगर कस्टमर की नेचुरल, अननेचुरल, एक्सीडेंटल, नॉन एक्सीडेंटल किसी भी वजह से अगर कस्टमर का डेथ हो जाता है तो उसके नॉमिनी को बैंक के बिहाफ पर 2 लाख रुपीज़ पे कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके लिए हम चलते हैं अगले पॉइंट पर कि इस पॉलिसी का जो पॉलिसी पीरियड रहेगा वो क्या रहेगा। वैसे तो दोस्तों, इस स्कीम का जो कवर है वो 1 जून से लेके अगले साल की 31 मई तक रहता है, यानी कि मान लीजिए आप 1 जून से पहले इस साल 2022 में स्कीम को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अगले साल ये पॉलिसी 31 मई को ऑटो रिन्यू हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इस पॉलिसी की प्रीमियम वैल्यू की तरफ, यानी कि आपको इस पॉलिसी को सब्सक्राइब करने के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ कि इसकी प्रीमियम वैल्यू वैसे तो सालाना यानी कि एनुअल बेस पर 330 रुपीज़, यानी कि 330 रुपये हुआ करती थी, लेकिन लेटेस्ट डाटा के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस स्कीम की प्रीमियम वैल्यू को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि डिपेंडिंग ऑन द टाइम, उस समय के हिसाब से जब आप इस स्कीम को सब्सक्राइब करते हैं आपका जो प्रीमियम वैल्यू है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप जून से लेकर अगस्त के महीने में, यानी कि जून, जुलाई या अगस्त के महीने में स्कीम को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको प्रीमियम के तौर पर साल का 330 रुपया पे करना होगा, वो भी वन टाइम पेबल होगा आपका। ठीक है, अगर आप इस स्कीम को सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 258 रुपया सारे साल का पे करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में स्कीम को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सारे साल का 172 रुपीज़ प्रीमियम पे करना होगा। और अगर आप इस स्कीम को मार्च, अप्रैल और मई के महीने में सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एनुअल प्रीमियम के तौर पर 86 रुपये का पेमेंट करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है वो कि आपका जो पॉलिसी का जो कवर है वो 31 मई तक ही एक्टिव रहेगा, यानी कि मान लीजिए आप एनुअल प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो फाइनेंशियल ईयर हम 1 जून से लेके अगले साल की 31 मई, मान लीजिए ये 2022 चल रहा है, तो अगर आप 2022 में पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर रन हो रहा है 2021-22 वाला, वो अभी जाके मई 2022 को समाप्त होगा, अगर आप जैसे ये फरवरी का महीना चल रहा है फ्रेंड्स, तो अगर आप इस महीने स्कीम को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको 172 रुपीज़ पे करने होंगे, लेकिन इसका कवर आपका 31 मई 2022 तक रहेगा। अगला जो आपका फाइनेंशियल ईयर जो है PMJJY का, वो 1 जून 2022 से लेके 31 मई 2023 तक रहेगा,
उसके लिए आपको इसी चार्ट के अकॉर्डिंग दोबारा से पेमेंट करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कि इसका पॉलिसी कवर क्या रहेगा, आपको कितना कवर मिलेगा इसमें। तो अगर मान लीजिए कि कस्टमर की किसी भी वजह से डेथ हो जाती है, यानी कि मान लीजिए एक्सीडेंटल, नॉन एक्सीडेंटल, नेचुरल, अननेचुरल, तो इस केस में उसकी फैमिली को या उसकी नॉमिनी को 2 लाख रुपया पे कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही इसमें आपको एक ऑटो डेबिट का फैसिलिटी भी मिल जाता है। मान लीजिए इस साल आपने इस पॉलिसी को सब्सक्राइब कर लिया है, तो अगले साल आपको इसको दोबारा सब्सक्राइब करने का ज़रूरत नहीं है। बैंक की तरफ से एक मैंडेट साइन कर दिया जाता है, मैंडेट आप कस्टमर के साइन फॉर्म के बिहाफ पर आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट फैसिलिटी एक्टिवेट कर दी जाती है, ताकि अगले साल ये पॉलिसी आपकी ऑटो रिन्यू हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पॉलिसी आपकी 50 ईयर्स की एज तक रन होगी, लेकिन इस पॉलिसी का जो कवर है वो आपको 55 ईयर्स तक मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 50 ईयर्स की एज तक आपके अकाउंट से ये प्रीमियम कटेगा, और 55 ईयर्स की एज तक अगर आप कस्टमर जो है वो उसको रिस्क कवर प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें लगता है आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से बैंक रिलेटेड टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।